Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is an essay of dramatic poetry. An essay of dramatic poetry John Dryden के द्वारा लिखा गया था और वो publish हुआ था 1668 में. So, an essay of dramatic poetry was written by John Dryden and was published in 1668. ये एक critical work था. It was the work of criticism. Samuel Johnson ने Dryden को the father of English criticism भी कहा. So John Dryden is called the father of English criticism. और उन्होंने कहा कि essay of dramatic poetry से ही modern English prose की शुरुआत होती है. उन्होंने कहा modern English prose begins after essay of dramatic poetry. Now the chief purpose essay of dramatic poetry को लिखने का कारण था and the chief purpose was to vindicate the honor of our English writers from the censor of those who unjustly prefer the French. हमारे इंग्लिश राइटर्स को वो पहचान और वो सम्मान दिलाना और जो लोग उस इंग्लिश राइटिंग को डिसअप्रूव करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं या नफरत से देखते हैं और फ्रेंच को प्रेफर करते हैं, उनको इंग्लिश राइटिंग की के बारे में बताना. सो दिस वाज़ द चीफ पर्पस ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी. इट वॉज रिटन इन कॉन्वर्सेशन फॉर्म, डायलॉग फॉर्म, इन द मैनर ऑफ प्लेटोस रिपब्लिक. प्लेटो रिपब्लिक भी एक डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, उसी फॉर्म में ही इसको लिखा गया है. नाउ एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में चार करेक्टर्स हैं और वो चार करेक्टर हैं यूजीनियस, क्राइट्स, लिसिडियस एंड नियंडर. इन ये चार फिक्शनल करेक्टर्स हैं और एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी की शुरुआत होती है जब ये चार फ्रेंड्स एक बैटल को देखने के लिए जाते हैं. बैटल हो रही होती है, समुद्री लड़ाई होती है इंग्लिश और डच के बीच में, जिसमें अल्टीमेटली इंग्लिश जीत जाती है. सो एक समुद्री लड़ाई को देखने के लिए ये चारों फ्रेंड्स बोट पे जाते हैं और जब ये बोट पे जाते हैं तो उनमें एक बहस शुरू होती है और वो बहस होती है वेदर एंशियंट ड्रामा इज बेटर और मॉडर्न ड्रामा इज बेटर, वेदर फ्रेंच ड्रामा इज बेटर और इंग्लिश ड्रामा इज बेटर, वेदर प्ले शुड हैव राइम और दे शुड बी अनराइम्ड. मतलब कि एंशियंट ड्रामा और मॉडर्न ड्रामा के बीच में डिबेट हो जाता है, फ्रेंच ड्रामा बेटर है या इंग्लिश ड्रामा, ये डिबेट होता है. और बाद में ये डिबेट होता है कि प्लेस में राइम होनी चाहिए या राइम्स नहीं होनी चाहिए. सो यूजीनियस रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स लॉर्ड बकहर्ट्स को. ये करेक्टर्स किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे क्राइट्स रिप्रेजेंट करता है सर रॉबर्ट हॉवर्ड को. सर रॉबर्ट हॉवर्ड जॉन ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ होते हैं. लाइसिडियस चार्ल्स सेडले, नियंडर ड्राइडन. सो ड्राइडन और नियंडर द सेम पर्सन है. एक तरह से नियंडर के जो थॉट्स हैं वही ड्राइडन के थॉट्स हैं. नियंडर रिप्रेजेंट करता है ड्राइडन को. सो इनमें डिबेट छिड़ती है जब ये जा रहे होते हैं लड़ाई को देखने के लिए, तो इनमें डिबेट छिड़ती है. नाउ सबसे पहले एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी शुरू होता है विद द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा. ड्रामा की डेफिनेशन होती है जिसको ये चारों करेक्टर्स अप्रूव करते हैं और कहते हैं कि ड्रामा इज अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर. मतलब कि ह्यूमन एक्शंस और ह्यूमन जो भी करते हैं उसका वो जस्ट इमेज है, जो कि त्यों इमेज है ड्रामा. और उस इमेज जो कि त्यों इमेज के साथ साथ वो लाइवली इमेज भी है. लाइवली इमेज मतलब वो एक इंटरेस्टिंग इमेज भी है, प्रेजेंटेबल इमेज भी है. मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज को दिखाने के लिए ये ड्रामा बिल्कुल हूबहू दिखाता है और साथ ही साथ उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग वे में भी दिखाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन विच वॉज अप्रूव बाय ऑल द फोर कैरेक्टर्स ऑफ एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी. नाउ ये फोर कैरेक्टर्स किसी ना किसी चीज को सपोर्ट करते हैं. लाइक यूजीनियस सपोर्ट करता है मॉडर्न ड्रामा को. क्राइट सपोर्ट करता है एंशियंट ड्रामा, एंशियंट ग्रीक ड्रामा को. लाइसिडियस सपोर्ट करता है फ्रेंच ड्रामा को. डियंडर सपोर्ट करता है इंग्लिश ड्रामा को. नाउ सबसे पहले बहस शुरू होती है यूजीनियस और क्राइट्स के बीच में और वो बहस शुरू करता है क्राइट्स. क्राइट्स जो कि एंशियंट ग्रीक ड्रामा को सपोर्ट करता है. अब क्राइट्स कहता है कि एंशियंट्स हैव लेड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, मॉडर्न सिंपली इमिटेट्स एक्शन, एंशियंट्स आर एक्नॉलेज्ड मॉडल्स ऑफ मॉडर्न. वो क्राइट्स कहता है कि एंशियंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने रूल्स और प्रिंसिपल्स सेट किए हैं
और मॉडर्न सिंपली उसको इमिटेट करता है, सिंपली उसकी नकल करता है. सो एंशंट्स एक तरह से मॉडल्स हैं मॉडर्न्स के लिए. नाउ यूजीनियस कहते हैं कि बिल्कुल सही है, एंशंट्स ने प्रिंसिपल्स और रूल्स सेट किए हैं और मॉडर्न को इससे बहुत बेनिफिट भी हुआ है, बट अब वो इसमें एक्सेल करते हैं. मतलब कि मॉडर्न ड्रामा अब एक्सेल करता है, अब वो सर्वोपरि है. दे डू नॉट ब्लाइंडली इमिटेट. अब वो सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि वो ब्लाइंडली इमिटेट नहीं करता एंशियंट ड्रामा को, ग्रीक ड्रामा को ब्लाइंडली इमिटेट नहीं करता. अब क्राइट्स कहते हैं कि एंशियंट ग्रीक ड्रामा फॉलोज यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस. यूनिटी ऑफ टाइम मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही ड्रामा खत्म हो जाता है. यूनिटी ऑफ प्लेस मतलब जिस प्लेस से ड्रामा शुरू हुआ है उसी प्लेस में वो खत्म होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो लंडन में उसकी सेटिंग हुई है तो एंड भी वो लंडन में होगा. यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स कोई भी सब प्लॉट्स, कोई भी सीन्स एक्स्ट्रा नहीं होते, एक ही इंसिडेंट होता है, उसकी बिगिनिंग होती है, क्लाइमेक्स होता है और उसका एंड होता है. सो ग्रीक ड्रामा में ये यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता है. जबकि यूजीनियस कहते हैं इवन एंशियंस डू नॉट ऑब्जर्व यूनिटीज, इनको भी ये परफेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं यूनिटीज को. एंशियंट क्रिटिक्स लाइक हॉरेस, एरिस्टोटल डिड नॉट ऑब्जर्व यूनिटी ऑफ प्लेस. कहीं कहीं जगह हॉरेस और एरिस्टोटल भी यूनिटी ऑफ प्लेस को ऑब्जर्व नहीं करते. बाद में अब ये यूजीनियस मॉडर्न ड्रामा की बड़ाई ना करते हुए ग्रीक ड्रामा की बुराइयां करता है और कहता है कि ग्रीक ड्रामा में पोएटिक जस्टिस नहीं होता. पोएटिक जस्टिस मीन्स अच्छों को रिवार्ड नहीं मिलता और बुरों को पनिशमेंट नहीं मिलता. सो पोएटिक जस्टिस ग्रीक ड्रामा में नहीं होता. यूजीनियस ये भी बताते हैं कि एंशियंट्स ने बहुत इमोशंस को पोर्ट्रे किया है, बहुत एक्शंस को पोर्ट्रे किया है, बट वो लैक करते हैं लव इमोशन को. लव इमोशन उसमें कहीं नहीं दिखाई देता. और जो लव लव और जो पैशन के जो इमोशंस हैं वो शेक्सपियर और फ्लेचर के फ्लेचर्स में बहुत के प्लेस में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है. नाउ यूजीनियस एक बात और कहते हैं कि एंशियंट्स वर्क ऑन सेम थीम. एक ही थीम होती है जो कि नोन होती है, ग्रीक माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स और ग्रीक माइथोलॉजी की के इंसिडेंट को ही वो सेम थीम को ही बताता है. जबकि मॉडर्न्स नई थीम्स को इन्वेंट करते हैं जो कि ऑडियंस को इंटरेस्ट करती हैं. और कहते हैं कि देर इज टू मच नरेशन एट द कॉस्ट ऑफ एक्शन इन एंशियंट ड्रामा. कहते हैं कि एंशियंट ड्रामा में बहुत ज्यादा नरेशन होता है, एक्शन कम होता है और नरेशन ज्यादा होता है. साथ में वो ये भी बताते हैं कि बेन जॉनसन इज द बेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट क्योंकि वो तीनों यूनिटीज को ऑब्जर्व करते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, और उनके थॉट्स भी सीरियस होते हैं. अब ये जो डिबेट है एंशियंट वर्सेस मॉडर्न यहाँ पे खत्म हो जाती है. अब डिबेट शुरू होती है फ्रेंच ड्रामा बेटर है या फिर इंग्लिश ड्रामा बेटर है. फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करता है लिसीडियस एंड इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करता है नियंडर जो कि ड्राइडन के थॉट्स इटसेल्फ हैं. नाउ लिसीडियस कहता है, एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट जिसका नाम है कॉर्निल इसका नाम लेता है और कहता है कि कोई भी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इन कॉर्निल के बराबर नहीं है. जबकि नियंडर कहते हैं कि एलिजाबेथन प्ले राइट ग्रेटेस्ट प्ले राइट है. लिसीडियस कहते हैं कि वो फ्रेंच ड्रामा एंशियंट्स की तरह स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. जबकि नियंडर कहते हैं कि एडहेरेंस ऑफ यूनिटी प्रिवेंट डेप्थ. अगर हम यूनिटीज में ही चिपके रहें, अगर हम ये तीनों यूनिटीज फॉलो करेंगे तो जो पोएट कहना चाहता है उस गहराई का हमें पता नहीं लगता, उस डेप्थ को पता नहीं लगता. एंड डेविएशन ऑफ यूनिटीज गिव्स डाइवर्स थीम. अगर हम इस यूनिटी से डाइवर्ट कर जाते हैं तो हमें अलग अलग थीम्स देखने को मिलती हैं. सो फॉलोइंग ऑफ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन इज नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू नियंडर. लिसीडियस कहते हैं नो थिएटर इन द वर्ल्ड हैज एनीथिंग सो एब्सर्ड एज द इंग्लिश ट्रेजिक कॉमेडी. उन्होंने कहा कि ट्रेजिक कॉमेडी की तरह कोई भी एब्सर्ड थिएटर नहीं है. अब नियंडर कहते हैं वी हैव इन्वेंटेड इंक्रीज्ड एंड परफेक्टेड अ मोर प्लेजेंट वे ऑफ राइटिंग फॉर द स्टेज दैट इज ट्रेजिक कॉमेडी. उन्होंने कहा कि हमने
इन्वेंट किया है, इंक्रीज करा है और एक नई राइटिंग को हमने स्टेज पे लाया, वो है ट्रेजिक कॉमेडी। और कहते हैं कि ट्रेजिक कॉमेडी इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ बाय वे ऑफ कंट्रोल, प्ले की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है क्योंकि उसमें कंट्रास्टिंग एलिमेंट होते हैं, कॉमेडी एलिमेंट होते हैं एंड ट्रेजिक एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये कंट्रास्टिंग एलिमेंट होते हैं इससे प्ले की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और कहते हैं कि हैड एरिस्टोटल सीन द प्ले इंग्लिश प्ले ही माइट हैव चेंज हिज माइंड, अगर ये एरिस्टोटल ने ऐसी ट्रेजिक कॉमेडी देखी होती तो वो भी अपना माइंड चेंज कर देते। नाउ लिएंडर कहते हैं फ्रेंच डू नॉट ओवरलोड प्ले विद प्लॉट्स, फ्रेंच में बहुत सारे प्लॉट्स नहीं होते, सब प्लॉट्स नहीं होते, सीन्स नहीं होते, तो लिएंडर कहते हैं सेम प्लॉट ब्रिंग्स बोर्डम, अगर एक ही प्लॉट होता है तो बोरियत सी आ जाती है, एंड सब प्लॉट्स मेक प्ले इंटरेस्टिंग, सब प्लॉट से प्ले इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। लेसिडियस कहते हैं कि एक्ट ऑफ डेथ ब्लडशेड और ये सब क्रूएलिटी दिखाई नहीं जाती बल्कि नरेट की जाती है स्टेज में, फ्रेंच में, फ्रेंच ड्रामा में। तो नियंडर कहते हैं कि जैसे कि बाकी के इंसिडेंट रियल हैं उसी तरह डेथ ब्लडशेड और बाकी के जो क्रूएलिटी बैटल ये सब भी रियल हैं, तो अगर ये इंग्लिश ऑडियंसेस को पसंद है तो ये क्यों ना दिखाई जाए स्टेज पे। और फिर नियंडर ये भी बताते हैं कि नरेशन क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा होता है तो ये नरेशन बोर्डम लाता है। सो बहस जो कि फ्रेंच ड्रामा बेटर है या इंग्लिश ड्रामा बेटर है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बहस होती है कि प्लेस में राइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्राइट्स कहते हैं राइम इज नॉट अलाउड इन सीरियस प्ले बट अलाउड इन कॉमेडी। क्राइट्स कहते हैं कि जो राइम्स हैं, राइमिंग जैसे कपलेट्स हैं, हीरोइक कपलेट वगैरह ये सब चीजें हैं, ये ट्रेजिक प्ले सीरियस प्लेज में नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी में वो अलाउ हो जानी चाहिए। जबकि नियंडर कहते हैं कि ट्रेजिक प्लेस इज द सीरियस प्ले, ट्रेजिक प्ले सीरियस प्ले है क्योंकि राइम नोबलेस्ट काइंड है वर्स का, तो इन ट्रेजिक प्ले में राइम होनी चाहिए। तो क्राइट्स कहते हैं कि कोई भी पर्सन कुछ राइम में नहीं बोलता, ये अननेचुरल लगेगा, और क्योंकि ब्लैंक वर्स भी हालांकि अननेचुरल है बट क्योंकि ये प्रोज के नियर है तो ब्लैंक वर्स होना चाहिए प्लेस में। तब नियंडर इसके लिए कहते हैं कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोएट्री इज डिलाइट, वो कहते हैं कि मेन फंक्शन किसी भी ड्रामा का डिलाइट है और उसके बाद इंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर किसी अगर डिलाइट लाना है, अगर इंटरेस्टिंग बनाना है किसी भी प्ले को, तो राइम जरूरी है। सो इसी में ही ये वाला डिबेट कि राइम होना चाहिए प्ले या अनराइम्ड होना चाहिए, ये वाली बहस भी खत्म हो जाती है। अब इसी एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी में नियंडर अपनी प्रेफरेंस शेक्सपियर के प्रति दिखाते हैं ओवर बेन जॉनसन, वो शेक्सपियर को बेटर बताते हैं बेन जॉनसन के लिए, बेन जॉनसन से, और वो कहते हैं कि शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, वो शेक्सपियर को हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल बोलते हैं, जबकि जॉनसन को कहते हैं वॉज द मोस्ट लर्न्ड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर एवर हैड, उनको लर्न्ड एंड जुडिशियस राइटर कहते हैं। और वो कहते हैं कि वो बेन जॉनसन को लाइक करते हैं बट वो शेक्सपियर को लव करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन 1668 एंड इट इज द डिबेट बिटवीन एंशंट एंड मॉडर्न ड्रामा, फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा, राइम्ड एंड अनराइम्ड प्ले बाय द यूज ऑफ फोर कैरेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।